एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मैं आप ये लेकर आई हूँ मेरा पर्सनल व्लॉग, मेले का व्लॉग, जो कि ये रांची के मोराबादी मैदान में लग गया है, झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और यहाँ रिसेंट में अभी एक्सपो मेला ख़त्म ही हुआ है और फिर से नया मेला लग गया है जो कि पलास महोत्सव के नाम से लगा है। तो गैर ये 3 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक चलेगा ये ट्रेड फेयर। तो आपको अंदर जाने के लिए, मतलब कि एंट्री के लिए, आपको 20 रुपीज़ का टिकट भी लेना होगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे मेले का वीडियो अपलोड किया है, आपने देखा ही होगा। तो गाइज ये इतना सारा मेला एक्सपो जो कंटिन्यूसली रांची में 2022 में लगाया जा रहा है, तो रांची में लोगों का तो मन ही भर गया है मेले और एक्सपो से। तो आप जब भी मोराबादी में आएंगे तब यहाँ आपको एक नया मेला या एक्सपो लगा हुआ मिलेगा। तो चलिए मैं अंदर तो आ चुकी हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इस मेले में आपको क्या क्या नया चीज़ देखने को मिलेगा। गाइस आप देखोगे तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है मेले में। हो सकता है कि संडे नहीं है, छुट्टी का दिन नहीं है और अभी मेले को लगे हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, इसीलिए भीड़ नहीं है। वैसे अगर देखें तो न्यू ईयर आने वाला है और ये साल ख़त्म होने वाला है और साल के एंड होते होते न जाने कितने एक्सपो और मेले रांची में लग गए हैं अभी तक। तो गाइस मुझे तो लगता है मेले में सामान और जो आइटम है, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट, वो सेम ही रहता है। बस मेले का नाम चेंज कर दिया जाता है, कभी दिवाली ट्रेड फेयर, कभी पलास महोत्सव, कभी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। बाकी सारे आइटम आपको सेम ही हर मेले में देखने को मिलेंगे जो भी रांची में लगे हैं अभी तक। और गाइस इससे पहले भी मैंने जितने एक्सपो या मेले का वीडियो बनाया है सब कुछ सेम ही आपने देखा होगा, फिर भी मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना। तो गाइस विंटर का सीज़न चल रहा है तो उलेन की और विंटर कलेक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर। साथ में गर्ल्स और लेडीज़ के लिए तो हमेशा वेराइटीज़ होते ही हर एक्सपो और मेले में। और यहाँ पर आपको हर मेले और एक्सपो की तरह अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे, सब कुछ सेम। कुछ कुछ आइटम्स आपको सिर्फ मेले में ही दिखेंगे, रांची के कोई शॉप में आपको नहीं मिलेंगे, तो आप यहाँ से वो ले सकते हो। तो यहाँ पर गर्ल्स और लेडीज़ के साथ साथ मेंस के लिए भी वेराइटीज़ हैं, बच्चों के लिए भी खेलने के लिए टॉयज़ वगैरह बहुत सारे चीज़ यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे पिछले सारे मेले एक्सपो में आपने देखा होगा। इसमें मेले में यहाँ पर कुछ नया जो दिखा है वो है ये इलेक्ट्रिक बाइक्स, जो कि इसके स्टार्टिंग प्राइस 16,000 से 85,000 तक है। तो लोग इसे ट्राई भी कर रहे हैं, चलाकर देख भी रहे हैं इन बाइक्स को और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। देखा जाए गाइस तो एक्सपो में सब कुछ तो सेम है, लेकिन फिर भी आप घूमने के पर्पज़ से या शॉपिंग करने के पर्पज़ से आ सकते हो आप। तो गाइस 13 दिसंबर तक ही मेला लगा हुआ है, आप अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ कभी भी आ सकते हो। वैसे तो यहाँ सब कुछ सेम है लास्ट मेले एक्सपो के जैसा, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ दिखा देती हूँ क्या क्या लगा हुआ है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो मैं अब आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।